एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे आने के बाद ठंड लग गई है मुझे, खांसी है थोड़ा सा। और यहाँ पे वो पॉन्ड में नहाते नहाते मतलब पानी की वजह से ठंड लग गई है। और सुबह सुबह नहाना पड़ता है 5 बजे 6 बजे, मतलब मंदिर जाने के लिए जल्दी निकलना पड़ता है तो नहाना भी पड़ता है उसी वजह से। और 2 दिन से गले में एक क्या बोलते हैं उसको, गले में हिचकिच वो हो रहा है। और मेडिसिन्स वैसे नहीं है, बस बाम लगा रही हूँ, तो वही है। और आज कहीं जाने का प्लान नहीं है, आज घर पे ही रहेंगे। तो अभी कितना बजे, अभी 10:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। और पापा, जेठी मुनी और अंकल गए हैं मार्केट फिश लाने के लिए, और मैंने मेडिसिन बहुत पहले ले लिया, तो अभी पहले जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। मम्मी, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और मम्मी यहाँ पे मछली क्लीन कर रही है और पानी कुएं से निकाल रही है। तेरे को क्या रखा है? और मैं नमक लेके खड़ी हूँ। थाम्बुल खा गए थाम्बुल ना थाम्बुल आशा में खा थाम्बुल। तो ये रहा कुआ जो बहुत दिन से यूज में नहीं है, और यहाँ बाल्टी के पानी से मम्मी मछली साफ कर रही है। इलिश माँ जो कि गुल्लू का फेवरेट है ना, गुल्लू बहुत कृपाज है। गोलू इलिश माछ नहीं खाते, इसलिए उसके लिए कातला माछ। और यहाँ चारों तरफ इतना अच्छा ग्रीनरी, बस ग्रीनरी। और यहाँ ग्रीनरी के बीच में एक येलोरी। हाय येलोरी, आई वाइट हमें पिंक करी, पिंक और वाइट करी, पिंक करी, शट अप, येलो करी, ग्रीन करी। हेलो बंधुआ, की करता सो भला सो भला सी तुम भला सनी मैं भला मैं বেশ স্নান করবি কুয়া জল দিয়ে কর না বুঝ ঠান্ডা তারপরে আর পাবি না আমারে না পাই নাই सब काम हो गया है मेरा, एंड अभी भी मुझे मिला है मेरा रिजल्ट सेकेंड सेमेस्टर का, जो बहुत ही बकवास हुआ है। एंड मम्मी को मैंने बोला है अभी, मम्मी यहाँ पे बर्तन धो रही है, इतना गंदा रिजल्ट, बाप रे बाप। मम्मी, पापा रिजल्ट दिसे, একটা তে 26 পাইছে, একটা তে 27 পাইছে। কি জানি এত লিখলাম তাও মার্কস দিল না। तो ये रहा आज का मेनू। यहाँ पे है इलिश भापा, नाम है इलिश माछ भाजा, और ये भाई का टिक्की कतला का लिया क्योंकि भाई इलिश माछ नहीं खाता है। और यहाँ पे है माछेर माथा दिए लाओ। एंड ये सब किस खुशी में, एग्जाम में बाजे नंबर मिला है इस खुशी में। मम्मी कोई लेना चाहिए रिजल्ट रखा था किचू ही की बोल वो पत्तन तो बाजे रिजल्ट। और रात के लिए यहाँ पे बन रहा है इलिश माछ बैगन के साथ कढ़ाई में जो खाली है अभी। तो बस अभी चलते हैं लंच करने। बाय बाय।
ঠিক আছে টিকি বেগুন দিয়ে ইলিশ तो इस रूम में भाई अभी खा रहा है अकेला क्योंकि ये इलिश माछ नहीं खाते और इसे स्मेल भी पसंद नहीं है और दूसरे रूम में पापा वो लोग खा रहे हैं तो ये रहा आज का लंच यहाँ पे इलिश माछ डीम तेल एंड बेगुन और यहाँ पे है लाउदी माछेर माथा एंड यहाँ पे द शो स्टॉपर इज शोशे इलिश एंड ये रहा आज का लंच রুটি गुड मॉर्निंग आज है नेक्स्ट डे एंड भाई वहाँ पे अपना नोट्स लिख रहा है क्योंकि उसके एग्जाम्स है घर जाने के बिल्कुल बाद तो आज है 3rd November आई गेस एंड सुबह सुबह हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड अभी फ़िलहाल मम्मी कर रही है लंच की तैयारी एंड पापा और जेठमनी गए हैं बाहर कुछ काम से इम्पोर्टेंट काम से जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो काम और फिलहाल अभी घर में बाकी हम लोग हैं और गोलू का पढ़ाई चल रहा है मेरा कोई काम नहीं है मैं अभी करूँगी वीडियो एडिट फिर मुझे वो पोस्ट करना है एंड उसके बाद देखते हैं और अभी तक नहाना धोना कुछ हुआ नहीं है ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ बहुत देर से तो अभी देखते हैं और रात को यहाँ पे बहुत ठंड लगती है क्योंकि चारों तरफ पेड़ वेड़ है खुला है एरिया बट दोपहर के टाइम पे बहुत गर्मी होती है और मैं भी फ़िलहाल एक अंडा का कुछ बनाने जा रही थी बट मैंने तेल जला दिया मम्मी अभी उसी बारे में बोल रही है डांट रही है एक्चुअली बट आई एम लिटरली इग्नोरिंग हर क्योंकि अगर मैं सुन लूँ ना अच्छे से तो वो और ज़्यादा डांटेगी इसलिए मैं भी डिस्टेंस में हूँ और ठंड मुझे ऑलरेडी लग रही है थोड़ी मुझे ऑलरेडी ठंड लग गई है और सुबह तो मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था फिर मैंने गर्म पानी वगैरह पिया तब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ अभी ठीक है और ऊपर से टेंशन की बात यह है कि मैं मतलब कोई भी विंटर क्लॉथ्स लेके नहीं आई हूँ वो एक प्रॉब्लम है तो ये रहा फर्स्ट लेमन ऑफ द विंटर लेमन नहीं मतलब यहाँ पे कोमला लेबू बोलते हैं ना इसलिए मैंने लेमन बोला ऑरेंज ऑफ दिस विंटर विथ नमक एंड बीट लेमन ज़रूर खाओ हेलो चला गया और ये है जेठमनी का घर मैंने बोला था मैं टूर करवाऊंगी मतलब आसपास क्या है तो हुआ नहीं टाइम तो ये है घर और यहाँ पे बस पेड़ ही पेड़ है वैसे टूर करवाने लायक कुछ है नहीं बट बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे ये रेड हिबिस्कस का पेड़ है ये नींबू पेड़ है नींबू का नींबू पेड़ नहीं नींबू का पेड़ है बनाना तो बहुत सारे हैं फिर कद्दू का पेड़ है ये बड़ा लीफ जो दिख रहा है ना ये एंड वो रहा कुआ एंड यहाँ से पानी बहुत कम यूज़ होता है
कभी अगर कुछ साफ वाफ करना हो तो तभी यूज़ होता है, अदरवाइज बहुत कम। एंड वहाँ पे भाई अभी वेट कर रहा है, पता नहीं किसका वेट कर, और वो ये पास वाला घर किसी और का है, हमारा तो है नहीं। एंड यहाँ पे एक वाइट फ्लावर का पेड़ है, यहाँ पे हमेशा ही फ्लावर्स मतलब रहते ही हैं। और ये भी इसके बाद यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है, बहुत पेड़ है। और अकॉर्डिंग टू जेठी मुनि यहाँ पे मतलब बहुत जैसे बोलते हैं ना वैल्यूएबल पेड़ वगैरह वो सब भी है, जैसे महोगनी है, फिर जो नॉर्मली हमारे वहाँ नहीं उगता है वो सब भी है। और ये रहा द फेमस पुकुर जहाँ पे हम सब कुछ करते हैं, हम यहाँ पे बर्तन भी धोते हैं, नहाते भी हैं, कपड़े भी होते हैं। एंड यहाँ पे मछली भी होता है बट अभी नहीं है, शायद रात को मिलता है। अच्छा चलो बाय बाय। और अभी हम चलते हैं वापस घर। तो जितना हुआ मैंने आसपास दिखा दिया क्योंकि अभी शाम हो चुकी है और शाम को मतलब वो पॉन्ड के पास जाने में मना करती है मम्मी, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूतिया भूतिया वैसा कुछ है नहीं, बट फिर भी। और जो कुछ भी था दिखा तो दिया। और आज का दिन ऐसे ही है, कल हम जाएंगे यहाँ से बालीगंज और उसके बाद देखते हैं क्या प्लान होता है। वैसे कोई प्लान अभी है नहीं, बस बालीगंज भारत शिव आश्रम में जाएंगे, इतना ही प्लान है अभी तक फ़िलहाल। और वैसे भी कल काली पूजा है तो वहीं पे पूजा वगैरह सब होगा, शक्ति शक्ति शक्ति, तो वहीं पे पूजा वगैरह होगा, वहीं पे हम मंजूली देंगे, वहीं पे सब काम होगा। तो अभी हम कर रहे हैं पैकिंग क्योंकि हम कल जाएंगे बालीगंज और यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा है, ये सब अभी हम करेंगे साफ, बैग पैक करेंगे और उसके बाद हम कल जाएंगे बालीगंज भारत शिव आश्रम आश्रम। तिकनाक्सस भगवान का कोई खरीद नहीं सकता, राइट। तो अभी करते हैं पैकिंग एंड मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं ऐसे फालतू फेस बना बना के। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आज के वीडियो में वैसे लाइक करने लायक कुछ नहीं था, बस खाना था और रेस्ट करना था। और दक्षिणेश्वर से आने के बाद हम लोग लिटरली बहुत टायर्ड हो गए थे, मुझे बुखार हो गया था एंड मेरा जो पेन था वो तो था ही सेपरेट, वो तो अलग ही है धैत गुलू। और मतलब टायर्ड हो गए थे, ज़ुकाम हो गया था, खांसी हो गया था, तो आज थोड़ा सा बेटर है। तो दो दिन हम लोग पूरा रेस्ट करे थे एंड जो इम्पोर्टेंट काम था हमारा जो मैं दोपहर को बोल रही थी वो भी मतलब थैंकफुली हो गया अच्छा से और अभी ठीक है। तो कल हम जाएंगे बालीगंज, मैंने पहले ही बोला ऑलरेडी, अभी शायद 4 बार हो चुका है मैं बोल रही हूँ। तो वीडियो मैं ये वाला यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप यू लाइक द वीडियो। सो बाय बाय एवरीवन, टाटा, गुड नाइट।